विजय जी, आपसे शुरू करते हैं। मैं पहली टिप्पणी आपकी चाहता हूं। हम लोग लगातार देख रहे हैं, एक के बाद एक मसला होता है और प्रधानमंत्री हर बार उनकी छवि पर बट्टा लगता है, ये स्वीकार करें या सर्वे में आए या ना आए, लेकिन उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर घटती चली जाती है। मणिपुर ने एक और जोरदार झटका दिया है। क्या आपको लगता है कि आज वो अपनी साख के मामले में सबसे निचले पायदान पर है? अनम्यूट कर लीजिए विजय जी। देखिए, जब मनमोहन सिंह अनम्यूट कीजिए विजय जी, फिर से आप म्यूट हो गए। अब आ रही आवाज, तो हाँ जी बिल्कुल। यही जब मोदी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और यही मोदी जी कहा करते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है। लेकिन अब ये सरकार तो पॉलिसी पैरालिसिस और पॉलिटिकल पैरालिसिस, फैसले लेने में पैरालिसिस, हर तरीके की पैरालिसिस की शिकार है, चुनाव को छोड़ के, चुनाव वाली पॉलिटिक्स को छोड़कर। और मणिपुर का तो मैं सबसे भयंकर विफलता मानता हूं मोदी सरकार की। और अभी साख गिरी नहीं है, अभी तो साख गिरने का दौर शुरू हो गया है, इस रूप में कि, या इसको यूं कहा जाए कि साख तो पहले से गिर रही थी, अब क्रैक्स दिखने लगे हैं। और ये क्रैक्स आने वाले समय में रोज चौड़े होते जाएंगे, क्योंकि 5,000 FIR है और 1,700 के आसपास 0 FIR है। और हर 0 FIR समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो मानवता पर हिंसा हुई है या महिलाओं पर बलात्कार हुआ है, और जहां के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार चुके कि सैकड़ों हैं ये इस तरह के मामले, तो ये रोज आने वाला है। अगले कुछ 3-4 महीने तक ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। तो मोदी जी की परेशानी ये है, और साख को वो और बट्टा लगाते जा रहे हैं। आप बहस कराने के लिए तैयार नहीं है, बहस क्यों नहीं कराना चाहते? बहस में भी होगी तो बीजेपी के हिसाब से बहस होगी, और उसमें प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहेंगे। आप क्यों नहीं मौजूद रहना चाहते? चीन में पंडित नेहरू जब हारे थे और विपक्ष तो कुछ भी नहीं था उस समय, तब भी विपक्ष ने कहा था कि साहब आप बहस कराइए। तो 2.5 दिन तक, सुना है मैंने, जो मैंने पढ़ा है कि पंडित जी सर झुकाए बैठे रहे थे सदन में और चुपचाप सुनते रहे थे, लेकिन बहस कराई थी उन्होंने, और अब आप बहस से भाग रहे हैं। फिर दूसरी, अभी जो खबर कुछ समय पहले जो मैं पढ़ रहा था कहीं पे, कि पुरनीश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन का टाइम मांग लिया है, यानी 11 अगस्त तक का टाइम मांग लिया है। यानी वो नहीं चाहते, बीजेपी या मोदी नहीं चाहते कि 4 अगस्त तक फैसला आ जाए, 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का, और कहीं राहुल गांधी के पक्ष में आ गया तो उनको सदन में आना पड़ेगा, और 15 अगस्त का जो मजा है, लाल किले पर से भाषण देकर देश की तकदीर को संवारने वाला, और पिछली बार 2047 तक का अमृतकाल था, इस बार हो सकता है 10 साल बढ़ जाए, वो सपना पूरा अधूरा रह जाएगा। तो भट्टा लग रहा है साख पर। और एक शेर है कि गिराना ही था तो 100 मकाम थे, गिराना ही था तो 100 मकाम थे, ये क्या किया, नजरों से गिरा दिया। तो ये नजरों से उतरने का सिलसिला शुरू हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। और मोदी जी के फिर आदमी जब होता है ना कि होशवास खो देता है, तो वो गलतियां करना शुरू करता है, फिर एक गलती को सुधारने के लिए एक और गलती करता है। तो अब यही गलतियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी, किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे, एनसीपी वाले मसले को लेकर किस मुंह से परिवार की बात करेंगे? लोग गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, चुनावी रैलियों में वही की वही चीजें। अभी तो हाल ही में शायद तवलीन सिंह ने भी लिख दिया था इंडियन एक्सप्रेस में कि मोदी को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल लेना चाहिए। और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में 56 इंच का सीना वाला एक शख्स कमजोर पड़ रहा है, जबकि अंग्रेजी में जैसा कहते हैं, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, तो यहां तो उनको आना चाहिए मणिपुर का। हाँ, मैं तो कह रहा हूं कि अगर मैं मोदी की जगह होता तो मैं आज से 2 महीने पहले मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता, वहां की सरकार को बर्खास्त कर देता, और दिल्ली से अपने लोग भेजकर, पुराने रिटायर्ड IAS IPS और आर्मी के लोग भेजकर वहां की स्थितियों को कंट्रोल में लाता, क्योंकि इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी इससे डरते हैं, मोदी जी को लगता है कि खुद के अधिकार में ले लिया तो फिर उनको ऊपर सारी विफलता आ जाएगी। अभी तो वीरेंद्र सिंह नाम का एक शख्स बैठा है और विधानसभा चुनाव सर पर है, ये मसला
केंद्र अगर बर्खास्त कर दे आज भी, जैसे इंदिरा गांधी ने पंजाब में अपनी ही सरकार को बर्खास्त किया था, ये मसला तब भी नहीं, विधानसभा चुनाव तक पहुंच जाएगा, मसला तब तक नहीं सुलझा तो विधानसभा चुनाव में मात खानी पड़ेगी, ये एक बड़ा रीजन बन जाएगा। तो एक डर, दूसरा डर, तीसरा डर, चौथा डर, डरी डरों में सहमी हुई सरकार नजर आती है। और टेलीग्राफ का तो उदाहरण क्या सब जानते ही है, ये आंसू आ रहा है मगरमच्छ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।